नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में, और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। देश में हर रोज बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को देखते हुए गुरुग्राम कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पार्क से जटौली हेली मंडी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक विरोध प्रदर्शन का मकसद तीन कानूनों को रद्द करवाने और पेट्रोलियम पदार्थों की हर रोज बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की मांग करना है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये सरकार हमारे दो की सरकार है, और हम दो हमारे दो का मतलब है अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना, जिनके लिए सरकार इस तरह की पॉलिसी को तैयार कर रही है। गुरुग्राम में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। शहर में पेट्रोल डीजल के दाम में आज एक इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि इससे पहले लगातार 12 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ था, लेकिन बीच में दोनों के दामों में ठहराव देखने को मिला, लेकिन अब एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों के बड़े दामों से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, आज भी गुरुग्राम में एक रुपये पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो आज जो डीजल का रेट है वो 82.05 रुपये है, जबकि एक रुपये आज इसमें इजाफा हुआ है। साथ ही पेट्रोल की बात की जाए तो 89.11 रुपये पेट्रोल का रेट आज गुरुग्राम में पहुंच गया है। यानी कि लगातार जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। और एक ये बड़ा कारण है, क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर के भी रेट 25 रुपये इजाफा हुआ, तो उसके बाद से सीधे तौर पर यही देखा जा रहा था कि आखिरकार पेट्रोल के दाम घटेंगे। हालाँकि पिछले सप्ताह लगातार जो रेट थे वो 12 दिन लगभग रेट बढ़े, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक ठहराव देखने को मिला, लेकिन अब एक बार फिर आज एक रुपये पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिससे जाहिर सी बात है कि लोगों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। कांग्रेस की एनएसयूआई विंग ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। वहीं केंद्र और राज्य सरकार को ये जताने के लिए कितने लोग बेरोजगार हैं, इसके लिए नौकरी दो या डिग्री वापस लो मुहिम को शुरू किया गया है। एनएसयूआई ने राष्ट्रव्यापी मुहिम को शुरू करते हुए कहा कि देश भर में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जहां सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वहीं अब ये वादा पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है, और इसी के चलते एनएसयूआई की तरफ से इस मुहिम को शुरू किया गया है। इस मुहिम के तहत एक नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर देश भर में ऐसे युवा मिस कॉल कर सकते हैं जो बेरोजगार हैं, और इस नंबर पर मिस कॉल करने के बाद उन लोगों के पास एक ऐप लिंक आएगा, जो उस पर युवा अपनी डिग्री अपलोड कर भेजेंगे, जिससे एनएसयूआई के पास एक मुहिम के मार्फत ऐसे लोगों की जानकारी आ जाएगी और इस डिग्री की एक कॉपी सरकार को दी जाएगी। देखिए जी, डाटा जो कि बात करी आपने, उसमें हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। उस मिस कॉल नंबर के माध्यम से हम युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे उनकी डिग्री की फोटोकॉपी हम अपने पास मंगवाएंगे, और वो सारा डाटा कंपाइल करके वो प्रदेश की सरकार के पास भी और केंद्र की सरकार के पास भी भेजने का। अभी आज हमने हरियाणा के अंदर लॉन्च किया है, विभिन्न विभिन्न राज्यों में समय समय पर ये लॉन्च हो रहा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के नेतृत्व में आज से 20 दिन पहले ये दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ था, और आज से इसकी शुरुआत हमने हरियाणा में करी है। अभी तो आज हमने ये शुरुआत करी है, पर आने वाले समय में हम हर जिले इकाई को कहकर
हर विश्वविद्यालय के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, सरकारी हो या प्राइवेट कॉलेज के अंदर, ये लोगों के पास जाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। जो भी बेरोजगार हमारे साथ जुड़ना चाहेगा उसे हम ये मिस कॉल नंबर देंगे, ताकि वो अपने मिस कॉल नंबर पर मिस कॉल कर अपनी डिग्री अपलोड कर सरकार से, केंद्र की सरकार से और प्रदेश की सरकार के इसका जवाब मांग सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा राज्य में थी तो कैंपस प्लेसमेंट सरकारी कॉलेजों में, गैर सरकारी कॉलेजों में होता था। अब कैंपस प्लेसमेंट तो दूर की बात, लेकिन कहीं भी अगर कोई आवेदन लेके नौकरी ले जाता है तो या तो उसको ये कह के भगा दिया जाता है कि आपकी सिफारिश नहीं है या पैसा नहीं पहुँचा सरकार में। तो साइबर सिटी में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चरणबद्ध तरीके से जारी है। दो चरणों के बाद अब तीसरे चरण की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। 1 मार्च से शुरू हो रहे तीसरे चरण में वैक्सीनेशन का काम रफ्तार के साथ किया जाएगा। तीसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को सरकारी अस्पताल के साथ प्राइवेट अस्पतालों में शुरू किया जाएगा। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, तो वहीं प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोसेसिंग फीस करीब 100 रुपये और वैक्सीन के निर्धारित रेट पर सुविधा होगी। स्वास्थ्य विभाग की माने तो तीसरे चरण में 60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। एक मार्च से हम 60 वर्ष से ज़्यादा जो लोग हैं, जिनकी आयु 60 प्लस की है, उनका हम वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और जहाँ तक 45 इयर्स का आपने क्वेश्चन किया, 45 टू 59 इयर्स के बीच में जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिसमें आपको डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी फेलियर है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस जैसे HIV या कैंसर आदि से पीड़ित हैं, इन लोगों को जो है उनको वैक्सीनेशन दी जानी है 1 मार्च से। और जो आपका दूसरा सवाल था, क्या इससे पहले स्वास्थ्यकर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर्स जो सफाई कर्मचारी या पुलिस एक्सेट्रा हैं उनको दी गई या कितनी डोज दी गई, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, गुड़गांव में स्वास्थ्यकर्मियों को तकरीबन 28,000 के करीब हमारे रजिस्टर हुए थे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, तो हमने 24,000 से 25,000 के बीच में उन लोगों को ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन हो चुकी है। उनकी सेकेंड डोज का अभियान ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें सेकेंड डोज में भी तकरीबन 12,000 के आसपास सेकेंड डोज लग चुकी हैं। और फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस और सफाई कर्मचारी और अन्य PRI और पंचायती विभाग कहूँ या रेवेन्यू विभाग की कहूँ, इन लोगों की अगर मैं बात करूँ तो ये इनका टारगेट तकरीबन हमारे पास 23,000 का था, और इसमें तकरीबन 15,000 से 16,000 के बीच में इन लोगों की भी वैक्सीन फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो ये अभी तक हमने टारगेट अचीव किया है। देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के मद्देनजर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लोग अभी एहतियात बरतें। हालांकि गुरुग्राम में किसी भी तरह के मामलों में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, लेकिन हरियाणा के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब से लगे हुए हैं, वहां लगातार 20 से 25% कोरोना केस बढ़े हैं। जहां दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी गई है, वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना केस में बढ़ोतरी को देखते हुए अलर्ट रहने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों की बात की जाए तो अभी भी रेट लगातार मामले घट रहे हैं। 270 के करीब कुल कोरोना केस जिले में एक्टिव हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हर कुछ जगह पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अभी भी जब वो घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा करके रहें। सीएम वीरेंद्र यादव ने भी ये कहा है, ये अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुग्राम में अब तक मामले सामने आए हैं वो नॉर्मल हैं। पिछले कुछ दिनों में देश में और प्रदेश में मामले बढ़ने के एक कहूँ शुरुआत तो हुई है। नॉर्थ अगर हम डिस्ट्रिक्ट कहें हरियाणा के, जो पंजाब के लगते हुए एरिया के हैं, वहाँ 20-25% के करीब केसेस में इंक्रीज रहा, लेकिन गुड़गांव में अभी भी पिछले उन्हीं 10 दिनों में 25 से 35 के बीच में ही केसेस आ रहे हैं। गुड़गांव में एक पर्टिकुलर बादशाहपुर में एक एरिया है जिसको हमने कंटेनमेंट जोन में भी डिक्लेयर किया है। एक पर्टिकुलर IRU की सोसाइटी है जिसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया, क्योंकि वहाँ कुछ एक्टिव केसेस आए हैं, उनकी संख्या तकरीबन 19 के आसपास है। और अदरवाइज़ गुड़गांव में अगर मैं कहूँ तो अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं टोटल वो 272 हैं और लेस देन 300 चल रहे हैं पिछले 10 दिनों में लगातार।
और अभी भी हम टेस्टिंग जो है गुड़गांव में 3000 या 3000 से ज़्यादा कर रहे हैं, जो पहले हम तकरीबन 2500 के आसपास आए थे। अभी भी हमारी पॉजिटिविटी, जो प्रेजेंट पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ कोविड केसेस की, वो 1% से कम। कोरोना महामारी के दौर को एक वर्ष पूरा हो चुका है। हालांकि इस एक वर्ष में देश में कोरोना के आंकड़ों की स्थिति में काफ़ी सुधार आने लगा है। धीरे धीरे मामले भी काफ़ी कम हो रहे हैं, जिसके चलते अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। वहीं सरकार द्वारा अब स्कूलों में कक्षाएं भी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं और स्कूल संचालकों द्वारा स्कूलों में बच्चों की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा संकट गहरा रहा है, जिसके चलते स्कूल संचालक और उन स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक दोनों ही परेशान नजर आ रहे हैं। स्कूल संचालकों की माने तो सरकार के आदेश के बाद स्कूल संचालकों ने स्कूल तो खोल दिए और अभिभावक भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का एक ऐसा संकट अभिभावकों के और स्कूल संचालकों के सामने है, जिससे अभिभावक अब सरकार से आस लगाए बैठे हैं। रुझान तो है बच्चों का, अभी गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए हैं कि स्कूल खोल दिए जाए, तो हमने स्कूल को ओपन भी कर दिया है, तो सभी स्कूल, तकरीबन सब स्कूल ओपन हो चुके हैं और पेरेंट्स भी भेजना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ जगह प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास फीस नहीं है देने के लिए, किस तरह से हम जो है उनको भेजें। तो ये तो एक प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल के हालात भी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि स्कूल भी अब बियर नहीं कर पा रहा, क्योंकि पूरे साल भर से स्कूल को फीस नहीं मिल पाई, खर्चे एजेटी चलते रहे, बसेज के खर्चे चलते रहे, इंश्योरेंस का खर्चा चलते रहे, ईएमआई चलते रहे, बिजली के बिल चलते रहे, टेलीफोन इंटरनेट के बिल चलते रहे, टीचर्स की सैलरी और सभी के इस तरह से चलते रहे, खर्चे सारे के सारे एजेटी चलते रहे, तो स्कूलों के हालात भी ख़राब हो चुकी है। तो पेरेंट्स के फीस पर ही हम निर्भर करते थे, तो अब हम ये चाह रहे थे कि पेरेंट्स हमें फीस दे तो हम सर्वाइव कर जाएँ, स्कूलों को क्वालिटी एजुकेशन हम उनको देते रहें। तो ये कुछ पेरेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। गुरुग्राम में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला और इसी रफ्तार के कहर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो सवार दो युवती और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला देर रात राजीव चौक फ्लाईओवर के पास का है, जहां गुरुग्राम नंबर की स्कॉर्पियो हीरो होंडा चौक से दिल्ली की तरफ जा रही थी और जैसे ही राजीव चौक फ्लाईओवर के ऊपर पहुंची, सामने एक ट्रेलर तेज रफ्तार में लहराता हुआ चल रहा था, जिसकी चपेट में आने से स्कॉर्पियो सवार प्रवीण की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो युवतियों और एक युवक को गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल दो युवक और दो युवतियां स्कॉर्पियो में सवार होकर सेक्टर 29 में किसी म्यूजिक नाइट में भाग लेने के लिए घर से निकले थे और जैसे ही राजीव चौक पर पहुंचे, सामने लहराते तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी और गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। बाहर गुरुग्राम पुलिस ने ट्रेलर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम में अब प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ रिकवरी अभियान चलेगा। दूसरों को सस्ते मकान का सपना दिखा, अवैध कॉलोनियां काटने वाले प्रॉपर्टी माफिया के घर भी नीलाम हो सकते। दरअसल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अब प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ रिकवरी अभियान चलाएगा, जिसके तहत अवैध कॉलोनी काटने या फिर अवैध मकान तोड़ने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जेसीबी या पॉपलैंड का खर्चा भी उन्हें प्रॉपर्टी माफियाओं से वसूला जाएगा। यदि प्रॉपर्टी माफिया खर्चा जमा नहीं कराते हैं तो राजस्व विभाग के माध्यम से उनके घर या फिर कार जैसे किसी भी तरह की संपत्ति को नीलाम कर राशि रिकवरी की जाएगी। 15 महीने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी माफियाओं को करीब 15 लाख रुपए के रिकवरी नोटिस भेजे हैं, लेकिन अभी तक राशि जमा नहीं हुई है और इसको लेकर के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि 15 लाख की राशि केवल जेसीबी और पॉकलैंड का खर्चा है, जो कि अवैध निर्माण को तोड़ने के दौरान इस्तेमाल की जाती है। ऐसे में अवैध निर्माण को तोड़ते वक्त वहाँ जेसीबी और पॉकलैंड का खर्चा भी उसी प्रॉपर्टी माफिया से लिया जाएगा। हालांकि इसमें अभी पुलिस और टीसीपी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के वेतन को शामिल नहीं किया गया है। ये निर्देश न केवल गुरुग्राम बल्कि रेवाड़ी और नारनौल जिले के लिए भी है।
मतलब हमारे एक्ट में भी प्रावधान है कि जो भी डिमोलिश करने पे जो खर्च आता है वो सारा खर्च हमें उसी इल्लीगल बिल्डिंग वाले से ही रिकवर करना होता है, या इल्लीगल कॉलोनी काटने वाले हैं उन्हीं से रिकवर करते हैं हम सारा। उसके लिए मैंने लास्ट मीटिंग अभी की डीटीबीज के साथ, तो वो नोटिस कुछ उन्होंने नोटिस इशू किए हैं और काफ़ी रिकवरी भी हुई है हमारे रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से। तो और गुरुग्राम को भी डीटीपी को कहा है कि भाई आप भी अपने नोटिस देकर रिकवरी शुरू करें। अगर इनके डिमांड नोटिस पे वो पैसा जमा नहीं कराता है रिकवरी का, तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसका तहसीलदार को कहें एज ए कलेक्टर कि वो हमें उसका लैंड रेवेन्यू से कलेक्ट करके दे रिकवरी। पेमेंट जो है जैसे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है वो पिछले हमने लगभग 15 महीने से जो डिमोलिशन हुई है तो उस पर 15 लाख के करीब खर्च हुए हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये खर्च आ जाता है क्योंकि जेसीबी मशीन्स भी होती हैं और पोकलेन मशीन्स भी होती हैं, तो उनका जो खर्च आता है वो लगभग 1 लाख रुपये पर मंथ आ जाता है और वो फिर उनसे रिकवर करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है एज ए कलेक्टर साहब, जो डीसी साहब एज ए कलेक्टर आदेश देते हैं तहसीलदार को, तो वो उनकी कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड या जो भी प्रॉपर्टी रहती है उनकी उसको अटैच करके। फिलहाल मेट्रो न्यूज में इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।